3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार केदारनाथ पहुंचकर केदार बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार और संगठन की तरफ से प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसके बाद वो दर्शन के लिए जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 5 मई को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी देहरादून के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने हमीरपुर में एक कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान अधिकारियों को चेतावनी दी कि या तो सही हो जाएं या फिर सजा पाने के लिए तैयार रहें। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में अचानक से एक के बाद एक दो सिलेंडर फटने से पूरा इलाका धमाके से दहल गया और घरों के कांच टूट गए। वहीं गाड़ी में बैठा एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी ढांचे में तब्दील हो चुकी थी। बरा थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने गश्त के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने नशीला पाउडर बरामद किया। आपको बता दें कि 2015 में इनामी बदमाश कमल शर्मा कानपुर न्यायालय से पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा फरार हो गया था। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल जीडी के 64,066 पदों की भर्ती प्रक्रिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव, कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन और रीजनल डायरेक्टर सेंट्रल रीजन इलाहाबाद में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। पुलिस कर्मियों के निलंबन की कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जिलों सिद्धार्थनगर, झांसी और बरेली के पुलिस कैप्टन को तो तलब किया है। कोर्ट ने बगैर प्रारंभिक जांच कराए निलंबन किए जाने पर पुलिस कप्तानों ने व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। धूम्रपान निषेध को लेकर बुधवार को रायबरेली के दीवानी कचहरी में नई पहल के तहत गांधीगिरी देखने को मिली। ये गांधीगिरी कोई और नहीं, जिला जज और उनके साथ अधिवक्ता कर रहे थे। दरअसल जिला जज के शर्मा ने कोर्ट परिसर में घूम घूम कर धूम्रपान कर रहे अधिवक्ताओं और मुवक्किलों से मुलाकात की और गांधीगिरी दिखाते हुए उन्हें गुलाब का फूल दिया और उनसे धूम्रपान न करने की अपील की। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आधुनिक जीवन रक्षक प्रणाली से लैस एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनहित में ये सेवा समर्पित है और ये एम्बुलेंस महज 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में टटलू गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज न्यायालय में अपहरण के एक मामले 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई गई। इसके अलावा 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सजा का ऐलान होते ही आरोपियों के परिवार वालों ने न्यायालय परिसर में ही चीख चीख कर रोने शुरू कर दिया।